गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज एक नए तरीके का लाइव। अभी एक सीरीज आई फैमिली मैन, मैं उसके माध्यम से कुछ बात कहना चाहता हूं जो शायद पूरे इंडिया के लिए तो कम से कम बहुत जरूरी है। हाँ, निश्चित ही कि ये क्रिटिक होके मैं बात कह रहा हूं, लेकिन साथ साथ जो मैं कह रहा हूं वो बहुत काम का है, वो बहुत लोगों के काम का है। मैंने अभी कल रात एक जो है सीरीज फैमिली मैन आई हुई है, मनोज इस समय मनोज वाजपेयी हैं उनकी है, लेकिन उसको देखने का इस बार जो रीजन था वो था, मेरा एक दोस्त है तारिक अहमद खान करके, तो तारिक खान जो है वो इसमें एक छोटा सा उसको रोल मिला, तो मुझे लगा यार मैं देखूं उसको। अगर तारिक इसमें ना होता ना तो ये मैंने शायद 15-20 मिनट बाद देखना बंद कर देना था। उसका एक रीजन है, मैं तमिल डब्ड मूवी तो देख सकता हूं लेकिन तमिल मूवी में कैसे देखूं मुझे वो समझ में नहीं आती। तो मैं यहां पे थोड़ी सी बात करना चाहता हूं कि फिल्म जो बनाते हैं उनकी मानसिकता और फिल्म जो देखते हैं उनकी मानसिकता, दोनों की मानसिकता समझनी पड़ेगी। मैं भी यहां कोक पी रहा हूं, कोक दुनिया की सबसे ज्यादा फेमस कंपनी, 100 साल से ऊपर हो गए, आज तक इसका क्रेज खत्म नहीं हुआ। बनाने वालों को भी इसका आनंद है कि उन्होंने क्या फिल्म, मतलब क्या आइटम बनाया, प्राउड है उनको, सीक्रेट है उनका। और साथ ही साथ पीने वालों को भी मजा है कि यार हम कोक पी रहे हैं। ये सफलता हिंदुस्तान की किसी कंपनी ने आज तक नहीं पाई। यहां पे हमेशा मैंने देखा कि हिंदुस्तान में एक सिंगल साइडेड वर्क होता है, या तो कोई प्रोडक्ट इतना अच्छा बना लेता है कि जिसपे वो फक्र तो करता है लेकिन उसकी मार्केटिंग सही नहीं हो पाती, या कोई मार्केटिंग पे इतना जोर करता है कि दुनिया को लूट तो लेता है, कर लो दुनिया मुट्ठी में रिलायंस, लेकिन उसके प्रोडक्ट में कोई बहुत दम नहीं होती और मार्केटिंग से ही वो लोगों को बेवकूफ बना लेता है। और ये बात मैंने फिल्म इंडस्ट्री में भी देखी, ये बात मैं रंगकर्मियों को बहुत पसंद करता हूं, सपोर्ट भी करता हूं, मैंने रंगकर्मियों में भी ये बात देखी। शाहजहांपुर के लोग अगर मुझे सुन रहे हैं और रंगकर्मी सुन रहे हैं, काफी सारे जुड़े हुए हैं मुझसे, तो मैं उनसे, उन्हें पता है कि एक चीज से मैं शिकायत से भरा रहा कि रंगकर्मी जो शो करते हैं वो शो करने में बड़ा रस लेते हैं, उसके सेट पे बड़ा रस लेते हैं, उसको बनाने में, लेकिन पब्लिक तक पहुंचाने में उनका कोई रस नहीं। तो ये कौन सा गेम खेल रहे हो तुम? मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग दोनों इंपॉर्टेंट हैं। आपको लोगों की समझ को, जिनको आप पहुंचा रहे हो, भले 10 लोगों को पहुंचा रहे हो, उन तक पहुंचे बात। मैं देखा है रंगकर्मी जब शो करते हैं तो रंगकर्मी इकट्ठे हो जाते हैं, वही रंगकर्मियों की टीम होती है, आपस में एक ईगो सेटिस्फाइड का गेम चल रहा होता है। तो इस मूवी के संबंध, इस सीरीज के संबंध में मैं कुछ बातें करना चाहूंगा। पहली बात तो ये सीरीज जो है, जो लोग देखने जा रहे हैं उनको बता दूं, ये हिंदी सीरीज नहीं है। मुझे पता लगा था कि ये हिंदी सीरीज है, मैं हिंदी सीरीज देखता हूं, अगर अंग्रेजी की भी हो तो डब्ड हो हिंदी में तो देख लेता हूं, अदरवाइज नहीं देखता। तो ये तमिल सीरीज है, ये हिंदी सीरीज नहीं है, ये तमिल भाषा में बनी है, ये 70% तमिल है, 20% या 25% ये इंग्लिश है, और 5% इसमें हिंदी कहीं कहीं दिख जाती है ना, जैसे कुछ लोग होते हैं एडेड मूवी देखने जाते हैं, उन्हें कभी कभी बीच में एक आध एडेड सीन दिख जाए तो अच्छा लगता है थोड़ा सा, ऐसे ही मुझे थोड़े से इसमें मजा आया, बीच बीच में कभी हिंदी आ जाती थी, या आई फील गुड, हिंदी समझता हूं। फिर कुछ लोग कहेंगे तो तुम अपनी बात कर रहे हो क्योंकि तुम हिंदी समझते हो, इसलिए जिनको नहीं समझ में आती हिंदी और अंग्रेजी जिनको आती उनके लिए नीचे लिखा तो था उसमें। मैं कह रहा हूं कि हम क्या देख रहे थे। मैं यहां पे जो डायरेक्टर हैं उनसे बात करूं, डायरेक्टर साहब हमें आप क्या दिखा रहे थे?
आपने जो एक्टिंग करवाई, आपने जो सीन उसमें बनाए, आप हमें वो दिखवा रहे थे या नीचे आप जो लिख रहे थे हमें वो पढ़वा रहे थे? क्योंकि अगर मैं ह्यूमन जो बॉडी है उसका वर्किंग प्रोसेस है उसकी बात करूं, तो अगर हम कोई चित्र देखते हैं तो उस समय हम रीडिंग मूड में नहीं होते, और अगर हम रीडिंग मूड में होते हैं तो हम चित्र सही से नहीं देख पाते। इस डायरेक्टर ने, जिसने भी बनाई है, गधे के टाइप का डायरेक्टर जो भी था, इसकी एक बड़ी कोशिश रही होगी अवार्ड विनिंग कुछ बनाने का। होता है कुछ कुछ लोगों की खुजली होती, अवार्ड विनिंग बनाएंगे हम तो तमिल दिखाएंगे तो तमिल तरफ के लोगों को लेंगे, वो भाषा का यूज करेंगे, हिंदी की बात दिखाएंगे तो हिंदी में, अंग्रेजी की बात तो अंग्रेजी में। लेकिन इसी डायरेक्टर ने अपने इसी उसमें लास्ट में एक दिखाया है, जब उसकी बेटी जो बात करती है मनोज वाजपेयी से, तो मनोज वाजपेयी से बात करते वक्त वो नाचीज करके कुछ बोलता है कि, तो वो कहती ये क्या, तो मनोज वाजपेयी कहता भाई अंग्रेजी के साथ थोड़ी हिंदी भी सीख लो, यानी कि इंपॉर्टेंट भाषा का भी है। लेकिन ट्रांसलेशन के लिए तो गूगल मौजूद है। घर में सोचो दो लोग बात कर रहे हैं किसी विषय पे और एक आदमी गूगल ट्रांसलेटर लेके बैठा है और ट्रांसलेट कर रहा है, क्या संवाद में वो गहराई आएगी? आप हमें दिखाना चाहते हैं अगर अपना डायरेक्शन और हम पढ़ने में लग जाए तो आपका डायरेक्शन कैसे देख पाएंगे? मैं समझता हूं सीरीज जैसी भी थी ठीक थी, लेकिन उसको पूरे तरीके से इंजॉय करने के लिए आपने सब चीजें खत्म कर दी। आज डबिंग के लिए अगर आपको तमिल लोगों को सेटिस्फाई करना था तो तमिल भाषा में डब कर लेते, अब तो ऐसी सुविधा मौजूद है। आपको हिंदी भाषाओं के लिए करना था, उन्हें हिंदी में डब कर देते, अंग्रेजी वालों के लिए फुली अंग्रेजी डब कर देते। लेकिन जो नीचे आप लिख रहे थे और तीन तीन भाषाएं चल रही थी, जब तमिल में मैं देखता था, जब तमिल चल रहा होता था तो देखता था उसमें ध्यान लगा के, बीच बीच में कहीं पढ़ पाता था, एकदम इतनी फास्ट वो बदल रहा था कि पढ़ना मुश्किल। मैं तो अनपढ़ हूं भाई, बहुत पढ़े लिखे लोग भी नहीं पढ़ सकते इतनी तेजी से। उसके साथ मैचिंग कर रहा था, थोड़ी देर में मैचिंग कर पाता था, तभी हिंदी आ जाती थी। तो जब तक वो हिंदी आती थी तब तक मेरा माइंड ऐसा हो जाता था जैसे कि मैं जो हूं वो तमिल ही सुन रहा हूं। जब तक मैं हिंदी में अपने आप को सेट करता था तो अंग्रेजी आ जाती थी। सच बताएं कबाब में हड्डी फील की, तारिक तेरी वजह से तो मैंने झेल लिया, मुझे मालूम है तू तो वीडियो देख लेगा, तेरी वजह से तो मैंने झेली है, वरना 20 मिनट के बाद या तो मैं टीवी फोड़ देता या टीवी बंद कर देता, ये देखी नहीं जा सकती थी। और जिस डायरेक्टर महोदय ने ये बनाई है, जिन्हें लगता होगा बहुत ही उन्होंने रियलिस्टिक दिखाने की कोशिश की, वो ऐसे होते हैं कुछ लोग, अब वो अपने कहीं पार्टी हो रही होगी जहां वो सेलिब्रेट करेंगे, डॉक्टर साहब क्या रियलिस्टिक आपने दिखाया, कितना रियलिस्टिक दिखाया कि आखिर में फाइटिंग सीन चल रहा है, AK-47 चल रही है और घास फूस के ढेर के पीछे छुप के फाइट हो रही है और घास पे टकरा के AK-47 की गोलियां जो है ठिस्त ठिस्त हो जा रही है, क्या रियलिस्टिक तुमने दिखाया। जूता मारे अगर तुम कहीं मिल जाओ, तुम्हारे रियलिस्टिकपन में रेड़ पिट गई इस सीरीज की, कोई भी रियलिस्टिक इसमें थिंक नहीं थी। पता नहीं तुम क्या दिखाना चाहते हो, अपमान कराया तुमने हमारे देश का, असल में इसलिए बोल रहा हूं। कहने को तो लोग कहेंगे आप तो क्रिटिक के ही आदी हैं, बिल्कुल क्रिटिक करूंगा, जो अच्छाई है वो अच्छाई होगी, अच्छाई मुझ में है होगी, लेकिन जहां क्रिटिक की बात आएगी कहूंगा। ऐसा नहीं है कि ये जो फिल्म का सब्जेक्ट है मैं सोच रहूंगा बाबा है इसे क्या पता, मैं तुम्हारे किसी भी डायरेक्टर को अपने पास बुला के सिखा सकता हूं। फ्यूचर में मेरा भी प्लान है कि कभी को मैं भी एक प्रोडक्शन हाउस डालूंगा। फिल्मों के माध्यम से बहुत कुछ कहा जा सकता है, पब्लिक से संवाद स्थापित होता है फिल्मों के माध्यम से। लेकिन आजकल के लोग, मैंने देखा है फिल्म बनाने वाले जनरेशन, नई जनरेशन, मैं काफी लोगों को जानता हूं, NSG के बहुत लोगों को जानता हूं, FTII के कुछ बच्चा है अंकुश सकालम, वो तो मेरे संग गहरे जुड़ा हुआ,
लेकिन मैं देखता हूं इन लोगों को पता नहीं हो क्या गया है, या तो सिर्फ इनको कुछ बना लेना है एड़ा मेड़ा टेढ़ा, या फिर मैं फिल्म में देखता हूं कि उन्हें वन साइडेड प्लेट, कुछ लोग होते हैं वो आर्ट मूवी बनाएंगे, गहरी आर्ट, जैसे इन्होंने आर्ट बनाई सत्यानाश कर दिया, कहने को कमर्शियल है आर्ट। फिर कुछ लोग केवल कमर्शियल बनाते हैं, धक धक करने लगा, मैं वो समझता हूं तब भी ठीक है क्योंकि धक धक से ज्यादा लोग इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन वास्तव में कमर्शियल आर्ट भी हो सकती। मैंने भी एक कहानी लिखी है काफी साल पहले से, मैं आज तक उस योग नहीं हो पाया कि उसको उतार पाऊं, उसके लिए जो जो चीजें चाहिए मैं आज भी कम ही पाता हूं, कभी फ्यूचर में होगा तो मैं उसको उतारूंगा जब बजट होंगे मेरे पास 20-50-100 करोड़ रुपए के, तो उसको उतारूंगा और उतार के बताऊंगा कि किस तरीके की कमर्शियल आर्ट मूवी हो सकती है। तो मैं यहां ये कहना चाहता हूं, चाहे मूवी का विषय हो चाहे कोई भी विषय हो, हमें यह ख्याल रखना चाहिए कि हम जो बात कह रहे हैं हमारे जो दर्शक हैं उन तक किस तरीके से पहुंच रही है। मैं गलत प्रचार को बहुत बुरा मानता हूं, मेरे इतने सारे वीडियोस पढ़ते हैं लेकिन मैं उसमें कभी भी छिछोरा टाइप का जो है एडिटिंग नहीं करने देता, गौर से देखो ऐसी एडिटिंग नहीं होती हमारे में, जो विषय होता उससे संबंधित कोई बात पड़ी होती, मैं जानता हूं कि उस तरीके की चीजों से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट किया जा सकता है, लेकिन केवल वो व्यूअर्स होंगे, वो नहीं होंगे जिन्हें हम मिलना चाहते हैं। तो हम जिनसे मिलना चाहते हैं हम उतना ही प्रचार करते हैं, और मेरी बात जिन लोगों को पसंद आती है उनको पसंद आती है, 2-2 घंटे भी मेरे वीडियो देखते हैं। मैं अननेसेसरी जो है फैलाव के पक्ष में नहीं हूं, इससे अपराध जन्मता, और अगर फैलाव हो तो फिर बहुत सिस्टमेटिक हो। मैंने कहा जिस दिन फैलाव की बात करूंगा उस दिन बहुत और सिस्टमेटिक करूंगा। तो ये अंग्रेजी, ये तमिल, ये हिंदी का जो कॉम्बो, ये खिचड़ी जो हमें पेश की गई, आथू हमें पसंद नहीं आया, बिल्कुल पसंद नहीं आया। झेला सिर्फ मैंने कहा मेरे उस दोस्त के खातिर जो मेरे साथ खूब समय बिताया है हम दोनों ने, और मुझे अच्छा लगता है उसका साथ, वो एनर्जेटिक लगता है, उसका भी यूज बहुत कम हुआ इसमें, बहुत अच्छा यूज हो सकता था, बहुत अच्छे ढंग से यूज हो सकता था। तो तारिक ने जो भी छोटा सा जो किया किरदार, लेकिन उस किरदार में देख के ऐसा लग रहा था कि ये किरदार कुछ इसमें बढ़िया आगे चल के इसको मिलेगी बात कहने को, लेकिन उसको भी फिस कर दिया, जबकि और जो तुम्हारे दिखाए गए हैं विलन उनसे कई गुना अच्छा उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन आ रहे थे। कोई बात नहीं, तारिक ऐसे मूर्खों से हम लोगों का सामना होता रहता है, तुम्हारा भी हुआ निश्चित ही, तुम्हारे लिए एक अच्छी बात है कि तुम एक स्टेप आगे बढ़े हो, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे मालूम है तुम आगे भी पहुंचोगे। कोशिश करना कि मेरी ये बात अपने तरीके से अपने ढंग से फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को पहुंचाओ, क्योंकि इंडिया में बड़ी क्षमता है अगर सही ढंग से यूज किया जाए तो। हॉलीवुड चीज क्या है, लेकिन हम सब यहाँ पे कुछ ऐसा कर रहे हैं, ना तो संदेश सही से दे पाते हैं ना ही दर्शकों को उस तरीके का दिल जीत पाते हैं। कभी कभी कोई ऐसा होता है कि आमिर खान की मूवी एक बार देखी थी मैंने, दंगल, दिल को छुआ उसने दिखाई, उसने कमर्शियल आर्ट का संगम दिखाया, 3 Idiots कमर्शियल आर्ट का संगम है, ये संगम है, इसमें इसमें कंप्लीटनेस है, इसमें कलाकार कला से भी खुश होता है और दर्शक देख के भी कुछ सीखता है। तो जब तक कलाकार कला से खुश ना हो और दर्शक देख के कुछ ना सीखे तो बेकार है। मैं हूं, मैं अपने जीवन को जैसा जीता हूं वैसी प्रकट कर देता हूं, इससे मैं आनंदित हूं, और मुझे जो देख के मुझे प्रेम करते हैं उनको भी अच्छा लगता है, क्योंकि उनको सीधा सीधा सीखने को मिलता है, क्योंकि मैं किताबी बातें और छुपा छुपी की नहीं कर रहा। बहुत कुछ गालियां देने का असल में मेरा मन था, ये वीडियो एडिटेड वीडियो में होना चाहिए था,
इस पे मैं ए लिख देता, कृपया बच्चे ना देखें। और फिर सब कुछ करने का आज मेरा मन था, ये डायरेक्टर था इसके लिए, थोड़ी सभ्यता दिखा गए, सभ्यता दिखा के अपनी बात कह रहा हूं। तो कम शब्दों में इसमें लोग समझ रहे हैं, अगर कुछ मुझे लगेगा और इसमें बात आती है तो मैं इस पर दोबारा भी बोल सकता हूं। लेकिन फाइनली मैं इस जो अगर मैं अपने तरीके से 1 से 10 के बीच में इसको हम ग्रेड देना चाहें तो हम 2 ग्रेड देंगे। 2 समझते हो, 2 ग्रेड कैसे होते हैं? आप कहोगे 2 ग्रेड भी बहुत दे दिए, दिव्या बैठी है पीछे, 2 भी बहुत दे दिए। असल में बचपन में हम लोग कहा करते थे, जब सुसु जाना होता था तो इतना, और जब पॉटी लगी होती थी तो नंबर 2 जाना है। बस मेरा 2 नंबर तुम्हें समर्पित है। और क्या कहूं, बहुत मूड खराब हुआ, लेकिन तारिक तुम्हें देखने के लिए मैं बैठा रहा है, ये भी बता दूं, बार बार बता दूं, मुझे अच्छा लगा तुम्हें देख के, क्योंकि बहुत दिन से हम मिले नहीं। हम जब मिले थे तुम पतले दुबले हुआ करते थे, और तो तुम खूब मोटे से हो गए हो, थोड़े थोड़े तुम हमारे फांसी कड़का नितिन रहा करता था बिल्कुल उसकी तरह लग रहे हो आजकल, अच्छा लगा तुम्हें देख के। बस इतना ही।